अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम आपको वर्ल्ड ऑफ किड्स में फिर तुम कहते हैं। एक जंगल में चूहा अपनी माँ के साथ रहता था। वो अपना ज़्यादा वक्त आराम और सुस्ती में गुजारने का आदी था। बस हर वक्त यूं ही पड़ा रहता था और कोई काम ना करता था। चूहे की माँ अक्सर समझाती, बेटा अच्छे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, यूं ही सुस्ती और काहली के साथ नहीं रहते। तुम छोटी सी चींटी को नहीं देखते जो सख्त मेहनत करती है और अपने से कई गुना ज़्यादा बोझ उठाती है। मामा, ये चींटी कहाँ रहती है? मुझे इसको देखने का बहुत शौक है। बेटा घर से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। जाओ, अगर चींटी को देखने का इतना शौक है तो जाकर उसको तलाश करो और देखो कि वो किस कदर मेहनत करती है और अपना और अपने घर वालों का पेट पालती है। चूहे के दिल में चींटी को देखने का शौक बढ़ गया और वो एक रोज़ अपनी माँ से इजाज़त लेकर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक जानवर दिखाई दिया जो अपनी पुश्त पर बहुत वज़न उठाए जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम, क्या आप चींटी हो? वालेकुम अस्सलाम, नहीं चूहे भाई, मैं चींटी नहीं हूँ, मैं तो कछुआ हूँ। चूहा आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर वो एक जानवर को देखकर कहने लगा, चींटी बहन अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हें चींटी नज़र आता हूँ, मैं खरगोश हूँ। चूहा वहाँ से भागा। जब भागते भागते थक गया तो एक पत्थर पर बैठ गया। इतने में उसने करीब से आवाज़ सुनी, भाई ज़रा एहतियात से, ये हमारा रास्ता है। चूहे ने नीचे देखा तो वहाँ ज़मीन पर एक नन्ना सा कीड़ा था जिसके साथ ही बहुत से कीड़ों की एक कतार थी और वो अपने मुंह में बड़े बड़े दाने पकड़े जा रहे थे। उनमें से एक बोला, चूहे भैया ज़रा एक तरफ होकर बैठ जाओ, हम खाना अपने घर ले जा रहे हैं। इतना बड़ा दाना तुम कैसे उठा कर ले जा रहे हो? हम छोटे ज़रूर हैं मगर अपना हर काम हिम्मत और हौसले से करते हैं और मिलजुल कर करते हैं। हम सर्दियाँ आने से पहले ही अपने लिए खुराक का बंदोबस्त कर लेते हैं। हम में बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद है, इस चीज़ में बड़ी दौलत है। चूहे ने एक नन्हे से कीड़े से ये बातें सुनी तो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, मगर तुम हो कौन? चूहे भैया हमें चींटी कहते हैं। तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था तुम वही ही निकली। तुम अपना काम बड़ी मेहनत, लगन और मुनज़्ज़म होकर करती हो। चूहा घर वापस पहुंचा और अपनी माँ से वादा किया कि आइंदा चींटी की नसीहत पर अमल करूँगा। प्यारे बच्चों, हमें अपना हर काम मेहनत और लगन से करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।